अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल शर्मा की दुनिया। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में हलवा लेकर आई हूँ, जो आपके बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। दो अंडों को फेंट लिया है और आधा कटोरी इसमें पानी मिला लिया है। साथ में ही जो आइटम्स मैंने आपको बताए थे, इसमें अखरोट, काजू, बादाम, चारोली, खोपरा, जो बड़े साइज में थे उन्हें बारीक कूट कर लिया है। अब मैं आपको एक कटोरी मैंने रवा लिया है, जो फैन में डाल रही हूँ। और इसी में मैं एक कटोरी घी डाल रही हूँ। इसमें एक कटोरी रवा लेकर इसमें मैंने एक चम्मच घी डालकर इसको अपने सेकना शुरू कर रही हूँ। इसको बारीक थोड़ा सा अपन कुरकुरा या ब्राउन कलर का इसे सेकना है आपको अच्छी तरह से। रिवर्स ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शरीर को ताकत देती है और साथ ही साथ हमें बच्चों को भी इसको हफ्ते में दो बार ही लेने से काफ़ी इससे ताकत मिलती है। और अगर आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, और ताकि हम डेली बच्चों को दे सकें माइक्रोवेव में गर्म करके। मैं धीरे धीरे इसको ब्राउन करूँगी और तो बिल्कुल स्लो आँच पर ही इसको बनाना है। देखिए व्यूअर्स, मैंने दो अंडों को फेंट लिया है और फेंटने के बाद जो आइटम मैंने आपको बताए थे, काजू, बादाम, चारोली, खोपरा, अखरोट और दाग और हरी इलायची, इन सभी को मैंने बारीक कर लिया है जो बड़े साइज में थे। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ आगे की ओर। व्यूअर्स देखिए, मैंने इसको बिल्कुल स्लो आँच पर 5 मिनट के लिए एक चम्मच घी में अच्छी तरह से सेक लिया है। अब सेकने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। स्लो करने के बाद आप सबसे पहले जो आपने अंडे की पेस्ट को पानी के अंदर मिक्स किया है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है हमको, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको किसी तरह से भी इस तरह से नहीं रखना है कि इसके अंदर की जो लच्छे बनना शुरू हो, लच्छे नहीं बनना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको धीरे धीरे इस तरह से डालिए। डालने के बाद कुछ लोग आँच रखें, तेज आँच में रखें, वरना फ्राई की तरह यह अंडा फ्राई हो जाए। साथ में ही एक कटोरी पानी डालें, साथ में ही एक कटोरी पानी डालें और फिर स्लो स्लो आँच पर हिलाते रहें, बिल्कुल हिलाते रहें। इसमें बिल्कुल गुटलियाँ नहीं बननी चाहिए और अंडा एकदम फ्राई जैसा नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। और साथ ही साथ आप अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। बिल्कुल स्लो आँच करें, तेज आँच पे ये आपका जो अंडा डाला हुआ है वो साथ में मिक्स होकर इसमें गुठलियों की तरह आमलेट की गुठलियाँ बन जाएगी, वो नहीं करना है हमें। रवे में अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और नज़र नहीं आना है। इसी के साथ आपका जो एक चम्मच और घी बचा हुआ है वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। घी की क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना इसको यूज़ करेंगे, कम से कम 2 चम्मच घी तो आपको लेना ही होगा। इसके आगे अकॉर्डिंग आप बढ़ा भी सकते हैं और ना बढ़ाए तो भी चलेगा। कम घी लें तो आप नान तवे में बनाएं ताकि आपका हलवा तैरते नहीं। साथ में ही अगर आपने ये जो मिक्स आइटम थे वो सभी इसमें डाल दीजिए, सभी को मिक्स कीजिए। और हमने एक कटोरी रवा लिया था उसी के साथ में इसमें एक कटोरी से थोड़ा सा कम था, उसी के थोड़ी सी शक्कर और कम लेकर इसमें हम हल्की सी कम लेंगे शक्कर। और अगर जो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती हैं वो बराबरी की शक्कर लें, बारीक शक्कर को तो बराबरी के लिए, अगर दाना बड़ा है तो आप उससे थोड़ी सी कम शक्कर भी ले सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये फूल का कितना हो जाता है, केवल एक कटोरी रवे में आपका हलवा कितना बन के तैयार हो जाता है। इसमें सारी आइटम आपको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। अभी हमने आधी कटोरी तो अंडे में पानी डाला है और साथ में एक कटोरी अभी भरकर रवे में डाला है। इस तरह से अभी हमारा 1.5 कटोरी पानी हो चुका है और साथ ही हम इसमें हल्का सा पानी डालने की और कोशिश करेंगे
हल्का सा, देखिए हल्का सा पानी, पाव कटोरी ये पानी और ऊपर से डाल देंगे। हल्की सी फ्लेम को बढ़ा देंगे, आंच को थोड़ी तेज करेंगे। सभी को आइटम को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। मिक्स होके ये हलवा आपके सामने तैयार हो चुका है। मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब